क्वेश्चन नंबर 75 है आपके सामने। इसमें क्या दिया, 3 कंटेनर्स हैं वॉल्यूम इन रेशो 3:4:5। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो इज 4:1, 3:1 एंड 5:2। देखिए अपन क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 कंटेनर दिए, तीनों का रेशो दिया 3:4:5, ठीक है। उसके बाद तीनों कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशो दिया है, वो क्या दिया, 4:1, 3:1 एंड 5:2। इस रेशो में अपन को मिल्क एंड वाटर दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द कंटेंट्स 3 कंटेनर आर पोर्ड इनटू 4th कंटेनर द रेशो। देखिए इन तीनों का जो कंटेंट था उसको निकाल के 4th कंटेनर में पोर कर दिया, और उसके बाद अपन को बताना है 4th कंटेनर मिक्सचर का रेशो क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहली बात तो आती है, पहले तो मिक्सचर को इक्वल करो। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, और यहाँ पे कितना है, 7 यूनिट है। तो एक काम करते हैं, 7 चौक को 28 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 7 35 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 4 5 20 मतलब 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो करो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 दूनी 8 80 और 8 चौको 32 80 और 32 8 3 11, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 112, ठीक है। 28 से कम 28, ठीक है। दूसरे मिक्सचर में 35 से मल्टीप्लाई करना है, 3 तिरका 9 90 और 5 3 15 105, ठीक है। 35 का 4 1 में मल्टीप्लाई होगा, 35 ये जाएगा। अब इसमें करेंगे 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, ये आ गया। अब क्या करना है, अब भैया कंटेनर की क्वांटिटी तो अलग अलग है, अपन ने तो इक्वल कर दिया, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, तो इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो करो इससे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई और इसमें 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 100 है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 11 3 33, 11 3 दूनी 6 रेशो, ठीक है। 8 3 24 की 4 हासिल किया है, 2 3 दूनी 6 और 2 8 84, ठीक है। दूसरे मिक्सचर की बात करें, दूसरा क्या हो जाएगा, 105, 5 चौको 20 और 4 एकम 4, 420 रेशो। 35 में करेंगे 4 3 12 और 5 चौको 20, 12 और 20 140, ठीक है। अगले मिक्सचर की बात करें, अगले में क्या हो जाएगा, 500 और 5 चौको 20 200, ठीक है, ये आ गया अपने पास मिक्सचर। अब क्या है, बस क्वेश्चन अब तो ख़त्म हो गया। यहाँ से मिल्क उठा लो, वाटर उठा लो, तो मिल्क जोड़ लेते हैं। मिल्क कितना है, 336, 420 और 500, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6, 3 2 5 5 और 4 3 7 5 12, 1256, ये मिल्क का रेशो आ गया है। वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, 84, 140 और 200, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 4 12 की 2 हासिल किया, 1 2 और 1 3 और 1 4, 424। अब इनको थोड़ा सा काटा पीटी कर लेते हैं। देखिए इनको काटेंगे अपन, सबसे पहले तो 4 से काटते हैं, क्योंकि मुझे 4 4 दिख रहा है, 4 एकम 4, ठीक है, ये नहीं कटेगा, 0, 4 सिंह 24 106, ठीक है। इसको काटते हैं 4 से, 4 3 12, ये 4 एकम 4, 4 चौको 16 314। अब एक बार और 2 से कट जाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, 157, ये 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, 53, और यही अपना आंसर हो जाएगा क्या, 157:153। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सब थोड़ा सा उन्होंने डाटा को ऐसा दे दिया कि कैलकुलेटिव बन गया, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है।